मैं शपथ लेता हूँ कि स्वयं स्वच्छता के लिए हर वर्ष 100 घंटे यानी कि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। न गंदगी करने दूंगा। मैं सबसे पहले स्वयं से मेरे मोहल्ले से मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया के वही देश स्वच्छ है जिनके नागरिक गंदगी नहीं करते। हम गांव-गांव गली-गली स्वच्छता अभियान का प्रचार करते रहेंगे। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ यह शपथ अन्य 100 व्यक्तियों को भी दिलवाऊंगा जो हर साल 100 घंटे स्वच्छता के काम में लेंगे। गांधी जी के सपनों का भारत सिर्फ आजाद भारत नहीं, साफ स्वच्छ सुथरा भारत है। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। यही आज करेंगे, लेकिन मुझे स्मरण है कि गांधीनगर जिले की बैठकें होती थी और उन बैठकों में हम लगातार इस बात पर बल देते थे कि हर कुटुंब में, हर परिवार में, हर मकान में शौचालय अवश्य होना चाहिए। और जिसको खुलेआम शौच करना ये जो प्रथा है और जिसके कारण दुनिया भर में विदेशी जो यहाँ आते हैं सुबह ट्रेन में बैठ कर के या कार में बैठ कर के देखते हैं प्रत्यक्ष जो स्थिति, वह कोई हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। और यह ओपन डिफेकेशन जिसको कहते हैं वो हर हालत में पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और ये बंद तब होगा जब हर मकान में, हर परिवार में साफ सुथरा शौचालय होगा और वहाँ पानी का पूरा प्रबंध होगा। ये ज़रूरी है। इसके लिए हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में पूरा प्रबंध करें। ये आज के इस शपथ का कॉन्क्रीट परिणाम होना चाहिए। भारत माता की जय। विजय कुमार मंडल, विपिन भाई, विखा भाई,